142 सिटीज में 36 नंबर पर आए हैं, पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 10 लाख। तो ये जो इसमें हमारी ये मेहनत है, ये इस वक्त हम 90% हमने हाउस होल्ड कवर किए हैं जिनका हम एट सोर्स गार्बेज कलेक्ट करते हैं फ्राम डोर टू डोर। तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि 2-3 महीनों में हम ये 100% इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि हमारी जो इस वक्त इक्विपमेंट की और मैन पावर की कमी है, उसमें से किसी हद तक हमने वो ऑर्डर्स भी निकाले हैं, वो कुछ ही दिनों में हम पूरा उसमें कुछ परसेंट पूरा हो जाएगा। उससे हम इंशाल्लाह 100% जो हमारे हाउस होल्ड से वो कवर करेंगे। और जब हम सोर्स से कलेक्ट करेंगे गारबेज, तो फिर सड़कों पर गारबेज होने की या रहने की कोई गुंजाइश नहीं। तो इंशाल्लाह लोग हमें कोऑपरेट करते हैं इसमें, और उनकी और कोऑपरेशन हमें चाहिए। हम ये शहर श्रीनगर जो है हमारा तहरीकी शहर, इसको हम गारबेज फ्री, नीट और क्लीन शहर बना के देंगे। इंशाल्लाह 2-3 महीने में 100% कवरेज करेंगे। जो भी डोर हम कलेक्शन करेंगे ना, वो 100% हम करेंगे। तो जब हम 100% लोगों के घरों से कि ये गारबेज निकालेंगे, तो सड़क फिर साफ़ सुथरा रहेगी। तो हमारी कोशिश रहेगी, जो हम किसी जगह पर हमारे अभी है टेम्प्रेरी ओपन गारबेज पॉइंट्स, उनको भी हम बंद करने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। 2-4 जगह पर हमने किया है और भी करेंगे। तो हम इस शहर को नीट एंड क्लीन बना के देंगे। तो लोगों से मेरी गुजारिश है, वो हमें ताउन इसमें करें, भरपूर ताउन दें, क्योंकि ये शहर हम सब का शहर है और ये एक तबाही की शहर है। इसको साफ़ सुथरा रखना ये हमारा फ़र्ज़ है। लोगों का हमारा कमिटमेंट है लोगों के साथ कि हम उनके घरों से गारबेज निकालेंगे, चाहे हम बायो एक इसमें क्या कहते हैं इसको सेग्रीगेटेड मैनर में लेंगे, तो घरों से लेंगे। घरों के बाद लोग हमें ताउन करें। हाँ, हमने सड़कों के किनारों पर हमने बहुत जगहों पर डस्टबिन लगाए, स्टील डस्टबिन, प्लास्टिक डस्टबिन। वो इसलिए है कि उसमें रास्ते में कोई चलता है, वो कुछ खाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी है फिर वो उस डस्टबिन में डालेगा जो भी कूड़ा निकलेगा। तो सड़क साफ़ रहेगी, गली कोचे हमारा माहौल साफ शफाफ रहेगा। तो इंशाल्लाह जो आइंदा रैंकिंग होगी उसमें हमारी कोशिश है, हमारा टारगेट कि हम पहले